की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। लगातार देश में और प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा रहा। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही। ऐसे हालात में कुरुक्षेत्र के गांव भगवानपुर की जसलीन सौभाग्य रही। उन्होंने 27 दिन अस्पताल में रहकर कोरोना को मात दी और स्वस्थ घर लौटी। जसलीन ने सिर्फ कोरोना को हराया इसलिए खुश नसीब है ऐसा नहीं है, बल्कि उसने कोरोना होते हुए और वेंटिलेटर पर रहते हुए एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बात 4 मई की है, जब कोरोना से जंग लड़ते हुए वेंटिलेटर पर जसलीन ने एक बच्ची को जन्म दिया। हालांकि बच्ची ने स्वस्थ जन्म दिया है। आइए देखते हैं प्रदीप की एक खास रिपोर्ट। जो डॉक्टर थे उन्होंने इतना अच्छे से ट्रीटमेंट किया है कि मैं उनका एहसान नहीं भूल सकती। डॉक्टर को परमात्मा का रूप देती हूँ। उन्होंने इतनी केयर में रखा, इतनी देखभाल की कि आज मैं उनकी बताऊँ की डॉक्टर को से मेरा कम है उम्र भर एहसान नहीं भूल सकती। मैडम ने हमें मेरे को ड्यूटी करवाई और उन्होंने इतने अच्छे से ड्यूटी करवाई। अब बिल्कुल ठीक हूँ। आपको डिलीवरी में किसी चीज़ की कोई समस्या तो नहीं है जी? हमें बताइए कि जैसे जसलीन जी को यहाँ से घर से हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया था, तो उनकी कंडीशन कैसी थी? उनकी कंडीशन उस टाइम तो मतलब थोड़ा कम कंडीशन ठीक थी। मतलब उसके बाद जब हम वहाँ लेके गए और ज़्यादा बिगड़ती गई उनकी हालत, तो वहाँ जाके देखा कि किसी को हॉस्पिटल में, कहीं हॉस्पिटल में गए हम, वहाँ बेड नहीं मिला हमें, हर जगह बेड अवेलेबल नहीं थे। तो मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से होकर के हमें आरोग्य हॉस्पिटल के बारे में, बालाजी आरोग्य हॉस्पिटल है उसके बारे में बताया, वहाँ लेके गए। फिर वहाँ पे हमें बेड मिला, वहीं पे एडमिशन करवाया गया। और बच्ची की हालत कैसी थी जब उसको मतलब कि पैदा किया गया? बच्ची मतलब प्री मैच्योर थी उस टाइम, और हालत मतलब 10-15 दिन तो सिचुएशन सही नहीं रही, वेट नहीं बढ़ा उनका, मतलब अब ठीक है, हालत ठीक है। तो क्या कांशा है कि वो घर कब तक आएंगे? घर आ जाएंगे, 4-5 दिन तक आ जाएंगे, मतलब बहुत